इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। 3 तारीख चुनाव जारी है। कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए लोग घरों से निकलकर वोटिंग कर रहे हैं, अपने नुमाइंदे को चुन रहे हैं, अपने नुमाइंदे को कसीर तादाद में वोट देकर जिताने की कोशिश कर रहे हैं। अमन नगर, उज्ज्वल नगर, गांधी नगर, आज़ाद नगर, यहाँ पर हमने जायज़ा लिया। कई सारे लोगों ने अपनी राय पेश करते हुए कहा कि उनके नाम नहीं है, कई जगह पर सीरियल नंबर गलत है, बूथ का नंबर भी गलत है, लिहाजा कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लिहाजा आज का दिन बिल्कुल शाम तक 6 बजे तक एक घंटा तवील किया गया, बढ़ाया गया है ये घंटा। पहले 5 बजे तक वोटिंग हुआ करती थी, अब एक घंटा बढ़ाकर 6 बजे तक किया गया। लोगों ने कसी तादाद में वोट किए हैं। अब तक जो है अक्सर पोलिंग बूथों पर जाकर हमने देखा कि वोटिंग तो हो रही है, लेकिन नतीजे तो बहरहाल 6 तारीख को ही आने हैं। अब देखना है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्टी के निशान पर लड़े जा रहे हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस, भाजपा, समिति, MIM, कई सारी अपक्ष भी काफ़ी सारे उम्मीदवार यहाँ पर जो है आप मैदान में उतरे हुए देख सकते हैं। लिहाजा कौन जीतेगा ये तो 6 तारीख ही बता सकते हैं, लेकिन जुमा का दिन होने की वजह से अब दोपहर से कुछ धीमी रफ्तार से वोटिंग हो रही है। उम्मीद करते हैं कि जुमा की नमाज़ के बाद फिर से कसीर तादाद में लोग वोट करेंगे। बहरहाल ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प है। कौन जीतेगा, फिर किसकी हुकूमत होगी, यानी कि मेयर किस पार्टी का बनेगा, ये भी आने वाले दिनों में ही तय किया जा सकता है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वोटिंग तो बहुत अच्छी चल रही है मेरी, माशाल्लाह। क्या सब जने के साथ दे रहे हैं हम ना, 2 नंबर का हमें सीता है क्या कांग्रेस की, सब जने काम देने। वोटिंग बहुत अच्छी चल रही है मेरे, आगे चल के भी इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वोटिंग तो अच्छी हो रही है, 6 तारीख को देखेंगे। जो हमें लोग साथ दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सीमा सैयद, आज यहाँ पे वोटिंग चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का प्यार और लोगों का साथ देके मुझे और भी ताकत और भी कॉन्फिडेंट आया है। चंद अफवाहें फैल रही है कि मैंने कुछ गलत बोला है कि BJP को वोट डालो या किसी और पक्ष को डालो। मैं क्यों बोलूँगी, जबकि मैं खुद एक MIM पार्टी से हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि सब आप लोग MIM पार्टी को सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो, मुझे जिता के लाओ। इंशाल्लाह हमें बहुत कुछ अच्छे कामों को अंजाम देंगे। शुक्रिया। यह हमारा वार्ड 20 नंबर, यहाँ पर सुबह से वोटिंग चल रही है। बहुत इत्मीनान के साथ हो रही है वोटिंग, और किसी बात की भी कुछ भी तकलीफ वगैरह कुछ नहीं है, और बहुत अच्छी माशाल्लाह बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है। और यहाँ जितने भी कैंडिडेट बैठे हैं उनको सबको कॉमन सपोर्ट किया जा रहा है वोटिंग के लिए। आज जिस कदर चुनाव हो रहे हैं और वोटिंग भी हो रही है, कसीर तादाद में लोग बाहर भी आ रहे हैं जुमा होने के बावजूद भी, तो यहाँ पर किस तरह का माहौल है, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा माहौल है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं,
वोट भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दे रहे हैं लोग, इंशाल्लाह 80% लोग जो है हमें दे रहे हैं, और लोगों की दुआओं से, उनके वोट से इंशाल्लाह हमारी जीत पक्की है। और मैं मेरे वार्ड के गांधीनगर सभी लोगों के शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्ताफ बालेकुंद्रिया है और मैं न्यू गांधीनगर 38 वार्ड से बैठा हूँ। जैसे कि हमारी सरकार की तरफ से, दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल सर की तरफ से मुझे काम करने का मौका मिला है और टिकट मिली है मुझे, इसकी इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यहाँ पर हमारे एरिया में काम बहुत हैं और हमारे एरिया का जानकारी ज़्यादातर मुझे मालूम है, इसीलिए मैं आम आदमी की तरफ से ठहरा हूँ, कुछ काम करना चाहता हूँ। जैसे दिल्ली बदला है वैसा हम गांधीनगर भी बदलेंगे इंशाल्लाह, और जितने भी होटल्स हैं मेरे दिल से, अपने दिल से वोट दे रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह करम से आज 3 तारीख है, आज जो वोटिंग हो रही है लिस्ट की वजह से बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। लिस्ट में जो सीरियल नंबर है वहाँ पर सीरियल नंबर अलग आ रहा है, और मोबाइल के ऐप से भी काटने के बाद में भी सीरियल नंबर समझ में नहीं आ रहा है, तो लोगों को काफ़ी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर अमन नगर के अंदर बहुत आराम से और शांति से वोटिंग हो रही है, और दूसरा जुम्मा का दिन रहने की वजह से उसके वजह से भी वोटिंग स्लो हो रही है। इंशाल्लाह जुम्मा के नमाज़ के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आएंगे और वोटिंग करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मेरा नाम शामो बिन सलीम अफजल खान पठान है, मैं वार्ड नंबर 37 से हूँ। इंशाल्लाह आवाम हमारे साथ हैं, टाइम निकाल के हम ना वोटिंग करें उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आज जुम्मा का दिन रहने की वजह से भी और लोग आके वोट करने लगे हैं, मैं सभी अवाम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, आपका कीमती वोट डाल के मुझे कामयाब कर रहे हैं, मेरी कामयाबी में सबकी कामयाबी है, और मुझे खिदमत करने का मौका दे तो शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी तादाद में ये सब लोग आके वोट कर रहे हैं और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, और आगे भी अभी बहुत टाइम है, अब 2-3-4 घंटा बाकी है, सब लोग आओ आके मुझे वोट कियो और भरी तादाद में मुझे जीतने की उम्मीद तो है। अल्लाह ताला के फैसले में जो होगा वो भी मैं खुश हूँ, आगे भी मैं खुश रहूँगी, और जो मैं जीतूँगी तो मैं काम करूँगी, और मैं नहीं जीतूँगी भी तो मैं काम करूँगी। आप काम करने की मैं बहुत उम्मीद रखो, आगे बढ़ी हूँ, और तो मेरा पहले भी सब लोग आप काम देख चुके हैं, आगे भी मुझे काम करने का मौका दो और मुझे अच्छे से अच्छी तादाद में वोट दो, मुझे वोट दे के आप कामयाब बनाओ। आप मैं वादा करी हूँ, आप मेरे वादे को आप पूरा करो, अब मुझे होड़ दे के कामयाब बनाएंगे तो मैं तुम्हारे वादे को पूरा करूंगी।